वेलकम बैक, आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में जैसे मैंने आपको कहा था कि इंटरनेशनल शेफ्स डे हम कर रहे हैं सेलिब्रेट, उन तमाम शेफ्स को कमेमोरेट करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए जिन्होंने इस फील्ड में अभी कदम रखा हो, पहले कदम रखा हो और काफ़ी सालों से जो है वो बहुत ही अमेजिंग कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। आप रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, होटल्स में देखते हैं, टीवी में देखते हैं उन शेफ्स को। तो इसी तरह के दो शेफ्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक कपल हैं, आप डिफरेंट चैनल्स पे देखते हैं। दे ऑल्सो हैव डिफरेंट अदर प्रोजेक्ट्स दे आर वर्किंग ऑन। इनसे जानेंगे इनके काम के बारे में, इनके बिजनेस के बारे में। एंड बाय द वे, दे स्टार्टेड देयर करियर ऑन मसाला टीवी। कितना सच है ये हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ मौजूद है शेफ बासित उस्मानी और शेफ सोबिया जानू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, हैप्पी इंटरनेशनल शेफ्स डे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र ठीक है। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी बाय द वे कि आज आप लोग हमारे साथ हैं, बिकॉज आज तो जो है ना वो कॉल्स आ रही होंगी हर तरफ से कि शेफ्स डे पे तो हर तरफ से कॉल आ रही होती है कहाँ जाएं, राइट? एग्जैक्टली, बहुत कहते हैं ना रश आवर चल रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, रश आवर। आज भी एक इवेंट है, इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम लोग उस इवेंट में भी जाएंगे। ओके, ऑसम। अच्छा मुझे ये बताएं कि शेफ्स डे जिस तरह से हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, यू लाइक दैट, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली अप्रिशिएट करने के लिए ये बहुत ही एक कहते हैं ना एक अच्छा दिन है, जो हम पूरे ईयरली मेहनत करते हैं, सर्व करते हैं फ्रंट फुट पे रहकर। तो एक दिन आई थिंक हर किसी को सेलिब्रेट करना चाहिए, जो इवन जो घरेलू हैं या जो बाहर इंडस्ट्री में काम करें, इवन सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट करना चाहिए बस। सर, लास्ट 2-3 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कि अब जो है पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा शेफ डे सेलिब्रेट हो रहे हैं। पहले इस चीज़ को इतना ज़्यादा रिकोगनाइज नहीं किया जाता था। बहुत अच्छी बात है कि अब चैनल्स के ऊपर और अवेयरनेस आ रही है लोगों को। सेकेंडली, जो शेफ़ की जो पूरे साल की जो मेहनत होती है बैक ऑफ द किचन, लोगों के जहन में क्या होता है, बस एक खाना ही पका रहे हैं, खाना नहीं पका रहे होते। हमारी ईद, बकरीद सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं होती। हम लोग आज भी, आज के दिन भी जो हम जाके रेस्टोरेंट में जाके उसी तरह काम करेंगे जैसे हम डेली कर रहे होते। बिल्कुल, वीकेंड नहीं होते हमारे, बिल्कुल नहीं। जो सेक्रीफाइस होता है इस दिन को हमें बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट करना चाहिए। इवन के जो जहाँ पे कर सके, कोई रेस्टोरेंट में तो रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करे, कोई इवेंट के अंदर है तो इवेंट में सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी जगह पे आ जाइए, यहाँ पे बैठते हैं और मज़ीद बातें करते हैं। एंड पूरे साल की, जैसे कि बासित ने कहा कि मेहनत होती है जिसको हम बेसिकली आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, राइट? सो सबसे पहले आज के दिन घिसा पिटा सवाल, आप लोग कैसे मिले? और मैं इससे पहले भी पूछ चुकी हूँ, मगर अच्छी बात है, हर एक को पता होना चाहिए, बोथ ऑफ देयर आर शेफ्स, दोनों ने साथ में जो है वो ट्रेनिंग ली है। तो किस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम यू? नेक्स्ट मंथ 6 साल हो जाएंगे। 6, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब आप लोग मिले तो शेफ बन चुके थे? नहीं नहीं, हमारा करियर का पहला दिन, लर्निंग का पहला दिन था हम समझे। और जो इंस्टीट्यूट हम गए गौतम कराची से, तो हमारा पहला दिन था और हम उधर ही मिले। उधर से ही हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, वहीं से ही साथ में ही मसाला आ गए, यहाँ पे ही एक कंपटीशन विन किया साथ में ही। एंड देन जर्नी गोज ऑन स्टिल आपके सामने साथ ही है। अच्छा, तो बासित ये कब पता चला कि ये जो शेफ हैं ये मेरे साथ जिंदगी भर मैं चाहता हूँ रहें? ये पहले दिन पता चला जब मिले, जब मसाला आए, किस ये जरा बताइए। ये जो है आप पहले दिन नहीं, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है हमने टाइम स्पेंड किया, तो ऑब्वियसली कि मुझे भी एक शेफ ही झेल सकता है, कोई और किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चूज़ी हूँ खाने के मामले के अंदर, हर चीज़ के ऊपर, तो एक प्रोफेशनल शेफ के साथ ही मैं सेटिस्फाई रह सकता हूँ। बिल्कुल। और आपने आई थिंक एज ए टीम जब काम किया होगा तब बहुत समझ में आता है, जब आप किसी के साथ काम करते हैं ना। टीम काम करने के लिए ऐसा नहीं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। हम हमारा ये था कि इवन व्हेन वी वर लर्निंग, तो हमारे जो ग्रुप्स होते थे कॉम्पिटिशन में, तो हम रिक्वेस्ट करते थे हमें एक ग्रुप में मत डालिएगा वरना हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नहीं, लीडरशिप की आदत दोनों में बहुत है। तो ये कैसे चलता है आपके रिलेशनशिप में, कैसे चलता है ये वहाँ मेरा? लेकिन किचन के अंदर मैं खाने के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो इसलिए वहाँ पे जो है बिल्कुल सेपरेट है, ये अलग बनाती है, मैं अलग बनाता हूं। अमेजिंग। अच्छा, मैंने ये तो सुना है काफी सारी कपल्स में कि आपका जो पाउडर रूम होता है या जो वो होता है वो अलग होता है, मगर ये मैंने पहली बार सुना है कि किचन ही अलग है दोनों का। इंटरेस्टिंग, वेरी गुड टिप।
अगर आपके हस्बैंड को भी खाना बनाने का शौक है तो उनको बोले देखिए किचन अपना अपना, किचन का मजाक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और हम भी किचन का मजाक नहीं करेंगे, लेकिन हम किचन की बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग जो है ना वो कुछ हमारे किचन में, यानी मेरे किचन में, जिसमें आप देखते हैं कि खाने में क्या है, सेगमेंट में क्या क्या बन रहा होता है, आज मैं दावत देना चाहूँगी शेफ बासित को, शेफ सोबिया को, कि प्लीज़ यहाँ पे आइए और हमारे लिए कुछ अमेजिंग सा तैयार कीजिए। श्योर श्योर आज बिल्कुल। जी तो खाने में क्या है बासित सोबिया, खाने में क्या है? अच्छा आज की जो मेरी रेसिपी है वो ख़ास तौर पे मर्द हज़रात के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा होना चाहिए कि वो जो है अपनी वाइफ के लिए सर्व करें। तो उन्होंने क्या करना है, खाली रेसिपी को कॉपी पेस्ट करना है, मेहनत करनी है। बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करनी, मेहनत मैं करूँ, खाली आपने फॉलो करना है। बिल्कुल। तो आज की जो रेसिपी है वो रेड वेलवेट चीज़ ऑमलेट, उसके साथ जो है रोजीना सैलेड है। अमेजिंग, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। आपकी अपनी क्रिएशन है ये? ये मेरी अपनी सिग्नेचर रेसिपी है जो कि आज मैं रिवील कर रहा हूँ। रेड वेलवेट चीज़ ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट, अमेजिंग। प्लीज़ बताएं इसमें क्या है। अच्छा इसके अंदर जो है 3 eggs चाहिए होंगे हमें, ठीक है। अच्छा या तो बीट रूट का इसके अंदर जूस ऐड कर सकते हैं कलर देने के लिए रेड, वरना मैं यहाँ पे रेड फूड कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको अच्छे से बीट करना है, बीट करने के बाद ये जब स्पंज फॉर्म के अंदर आ जाएगा उसके बाद हम इसको पैन में डालेंगे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सॉल्ट की वजह से जो होता है कि वाटर अंडों का सारा निकल जाता है, तो कभी भी अंडे फ्लफ़ी नहीं होते, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी जब अंडे फ्लफ़ी हो जाएंगे उसके बाद हमें सॉल्ट करके इसको स्लो हीट के ऊपर 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। जब ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएंगे उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करके इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। रोजीना सैलेड के लिए हमें सैलेड लीव्स चाहिए और रॉकेट लीव्स चाहिए, इसके अलावा मेरे पास डिल है चॉप और सॉल्ट है, लेमन जूस है, और ऑयल के साथ मैं एक विनीग्रेट ड्रेसिंग बनाऊँगा, लेमन डिल ड्रेसिंग, उसको मैं सर्व करूँगा चीज़ ऑमलेट के साथ। अमेजिंग, चीज़ ऑमलेट और सैलेड हो, कुछ नहीं चाहिए उस वक्त ज़िंदगी में आपको, और है ना। एग्जैक्टली। तो भी आप क्या करेंगी? अच्छा आज मैं जो बनाने वाली हूँ नूडल्स, ब्रेकफास्ट में तो नहीं खा सकते, तो आज मैं लेकर आई हूँ ऑमलेट नूडल्स। हम जो है ऑमलेट नूडल्स बनाएंगे, और ऑमलेट नॉर्मल जो हमारा जो घरेलू ऑमलेट होता है वही होगा, ब्लैक पेपर सॉल्ट वाला, बस उसको हम नूडल्स का शेप देंगे और उसको जो है हम फ्रेश सैलेड के साथ सर्व करेंगे, और उसके ऊपर जो टॉप करेंगे वो फ्रेश सालसा होगा, क्लासिक सालसा, और ये जो है आपका ऑमलेट नूडल सालसा प्लेटर तैयार है। अमेजिंग, इन्होंने इतना टफ कंपटीशन दे दिया ना, ऑडियंस को समझ ही नहीं पाएगी ऑडियंस किसका काम ज़्यादा अच्छा है। इट्स सो अमेजिंग, इट साउंड सो इंटरेस्टिंग। हम बनाना स्टार्ट करती हैं, एंड अगर आप चाहें तो आप दोनों साथ साथ बना सकते हैं, फिर साथ साथ मैं आपसे पूछती रहूँगी। फर्स्ट टाइम जो है हम किचन शेयर कर रहे हैं, किचन शेयर कर रहे हैं, आज तो करना पड़ेगा। देखते हैं, देखते हैं, आप भी ज़रा देखें कि इनके किचन शेयर करने में क्या क्या मसले मसाइल होते हैं। मसला आ गया है ना, मसला आ गया। विस चाहिए आपको, आपको विस चाहिए और बासित मेड शोर कि नहीं पहले विस मेड होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फेंट के लेते हैं, मैं इनके फेंट के दे दूँगा। दैट इज़ अ बेटर वन, ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन था। अच्छा मुझे लगता है ऑमलेट और फ्रेश सैलेड जो सुबह मिल जाए ब्रेकफास्ट में, ये कंप्लीट मील, इसके अलावा आपको चाय नहीं होता। बिल्कुल, एक हेल्दियर और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर जो हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो चाहते हैं कि उनको पूरे हफ्ते मज़े मज़े के खाने मिले, तो वो एक दिन जो है अपनी वाइफ के लिए अच्छा सा प्लेटर बना के सर्व कर दें। वेरी गुड टिप, संडे को जो है ना वो फिर वाइफ को आराम मिलना चाहिए। बता दिए, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। लेकिन संडे भी गनीमत है भाई, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं करते, तो संडे को जो है ना जस्ट मेक समथिंग अमेजिंग। और ये शेफ सोबिया से आप सीखें कि हस्बैंड से काम कैसे करवाते हैं। नाइस, बजाय इसके कि वो ले लें मैं इसको खुद कर लें, नहीं, आई लाइक इट, बिल्कुल आई लाइक इट, आई लाइक इट, ज़बरदस्त, ओके। अच्छा पहले कौन बताएगा कि हम क्या शामिल कर रहे हैं? आई थिंक इसके अंदर जो है मैं रेड फूड कलर ऐड कर रहा हूँ, देखिए इस तरीके से इसके अंदर थोड़ी सी स्पंज आ गई है। आई थिंक ये वैलेंटाइन पे सर्व करने के लिए बहुत अच्छा, वैलेंटाइन डे पे, और मुझे ऐसा लगता है कि लाइक हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो है, इवन आपके लाइक अम्मी अब्बू फैमिली मेंबर्स, रोज़ाना एक वैलेंटाइन डे होना चाहिए, प्यार का इजहार भी ना आपको रुकना नहीं चाहिए, जस्ट सर्व देम समथिंग अमेजिंग। अच्छा पैन को बिल्कुल स्लो हीट पे पकाना है हमने, ठीक है। अच्छा इसमें आपने कोई ऑयल ऐड नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं। ओह इंटरेस्टिंग,
टू बी ऑनेस्ट मैं ये पहली बार देख रही हूँ कि विदाउट ऑयल वो इस तरह से बना रहे हैं, विच इज अमेजिंग. और आपने अंडे में भी ऑयल ऐड नहीं किया, किसी भी चीज़ में. इंटरेस्टिंग. अब ये थोड़ी देर पकेगा, मीन ठीक है. मीन वाइल सोबी, अगर आप इनको पकाना स्टार्ट करना चाहें. थैंक यू. हम स्विच हो जाते हैं. अच्छा, ऑमलेट ले लिया. जैसे मैंने बोला था, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के हम इसको बेसिक से एक ऑमलेट बनाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे. ठीक है. दोनों ही ऑमलेट की रेसिपीज हैं और दोनों ही बहुत मुख्तलिफ हैं. सॉल्ट ऐड हो गया, ब्लैक पेपर ऐड हो गई. अब ये इसको दोबारा से कर रही है विस्क. और बस हम अपने पैन में हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे. ठीक है. और नॉर्मल जो ऑमलेट होता है वैसे कुक कर देंगे. सही. काफ़ी ओबीडियंट किस्म के शेफ हस्बैंड है भाई. वाह, क्या बात है. देखिए, शेफ के साथ ट्रेनिंग मैंने इनको हस्बैंड की भी दे दी. बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है. और आपने बहुत अच्छे, आप स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा सीखा है आपने. वेरी नाइस. फॉर उन्होंने जो है वो फ्लेम ऑन कर दिया. नाइस. ऑयल इन्होंने ऐड कर दिया. ग्रीस कर रही है पैन को. बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे. अच्छा, जैसे ये कुक हो जाएगा इसको हम निकाल के रोल शेप कर लेंगे. रोल शेप देकर एंड देन फिर हम इसको कट करेंगे तो नूडल्स आ जाएंगे. अच्छा, ये वो वाले नूडल्स हैं. एक्सैक्टली. इसमें कोई अलग से नूडल्स ऐड नहीं होंगे. ना ना ना, ऑमलेट नूडल्स देंगे. जबरदस्त जी, जबरदस्त. सो इंटरेस्टिंग. और यहाँ पे देखें कितनी जल्दी ये एग जो है काफी बिल्कुल जैसे एक पैनकेक की या लेयर होती है, इस तरीके से इसका स्पंज आ गया. बिल्कुल बिल्कुल. इंटरेस्टिंग. दोनों ही बहुत ही डिफरेंट किस्म के जो है ना वो यहाँ पे बन रहे हैं. बिकॉज ये जब अंडा बन जाएगा तो वो उसको नूडल्स की तरह काटेंगी. एंड दैट इटसेल्फ. अच्छा, अब मैं चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ. ठीक है. अगर कोई चाहे तो क्रीम चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. ठीक है. क्रीम चीज़ या फिर चेडर चीज़? चेडर चीज़. ओके. अच्छा, एक और मैं चीज़ बता चलूँ कि सैलड के साथ जो मैं ड्रेसिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए मुझे डेल्स चाहिए, चॉप डेल्स हैं. ठीक है. इसके अलावा इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगा. ठीक है. ऑयल है डिल, विच इज सोया बेसिकली, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं. और इसके साथ जो है मैंने 2 लेमन का जूस निकाला है, वो मैं ऐड करूँगा. लेमन जूस, डिल, ऑयल, सॉल्ट, सॉल्ट और ब्लैक पेपर. और ब्लैक पेपर. मजे की मुझे जाना वो ब्लैक अंडे की नाश्ते की खुशबू आनी शुरू हो गई. दिल की वजह से ना बहुत एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस आ जाता है सैलेड के अंदर. अच्छा, अगर दिल ना हो, अगर आप सोया ना ऐड कर सकें तो कुछ और शामिल कर सकते हैं. पार्सली, थाइम. अच्छा, पार्सली का फ्लेवर थोड़ा सा माइल्ड होता है तो इसका ये है, आप कोरिएंडर थोड़ा सा पाकिस्तानी टच भी आ जाएगा, उसका अरोमा बहुत अच्छा है कोरिएंडर का. सही. ओके. और ये शेफ वासित का जो ऑमलेट है वो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट अमेजिंग तैयार हो चुका है. इसको मैं फ्लिप करूँगा. ठीक है. नाइस, परफेक्टली कुक्ड. दैट वाज क्विक. अच्छा सोबिया, हमें इसको आपके वाले ऑमलेट को जो हम नूडल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, हल्की आंच पे ही पकाना है? एक्चुअली हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि इसका जो कलर है वो नीचे से येलोइश में ही रहे और सॉफ्ट रहे. Okay. अगर हमने इसको फुल फ्लेम पे डाल दिया तो वो जो एक क्रिस्पीनेस एजेस पे आ जाती है और एक ब्राउन होना शुरू हो जाता है तो वो होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. इसका कलर अगर हम येलो में रखेंगे तो दिखने में भी तो टेम्पटिंग होना चाहिए. हाँ बिल्कुल, जो दिखता है वो बिकता है. सही. ऑल राइट. और शेफ वासित का मुझे लग रहा है ऑमलेट जो है वो हो चुका है तैयार. एंड अब हम सैलेड की तरफ भी बढ़ेंगे. सो प्रिटी. इमेजिन करें एक जो ट्रे होती है बेड वाली, वो आप खूबसूरत सी बनाएं. अम्मी, अब्बू, किसी को भी आज शेफ स्टे पे जो है ना वो आपकी तरफ से गिफ्ट होना चाहिए फॉर योर सैलेड्स. सैलेड के लिए जो है मैंने यहाँ पे आइसबर्ग लिए और मेरे पास है रॉकेट लीव्स. ठीक है. ठीक है. इसके अंदर मैंने जो है क्यूकम्बर और टोमेटोज जो हैं वो स्क्वायर कट किए हुए. ठीक है. आप डीसीट कर लिए. हाफ क्यूकम्बर ले सकते हैं और एक टोमेटोज ले सकते हैं. ठीक है. इसके अंदर जो है मैं रोस्ट लीव इस्तेमाल कर रहा हूँ. ओह नाइस, खूब
खूबसूरत, तभी इसका नाम जो मैंने रोजीना सैलेड रखा, रोजीना सैलेड, यस। और थोड़े से पम्पकिन फ्लावर के लीव्स हैं। ओके, और ये एडिबल है पास है? जी जी एडिबल। ओके, इंटरेस्टिंग। और इसके अंदर जो हमारी ड्रेसिंग है वो ऐड करेंगे साथ। ये हमने जो है वो ड्रेसिंग ऐड कर दी एंड और इसको हल्का सा टॉस करेंगे और ऑन साइड हम सर्व करेंगे एंड सर्व कर देंगे। अमेजिंग। तो शेफ बासित की रेसिपी हो चुकी है, अब हम आएंगे यहाँ पे शेफ सोबिया की रेसिपी की तरफ। शेफ बासित, जब आप प्लेटिंग करेंगे तो हमें ज़रूर दिखाइएगा किस तरह से करेंगे प्लेटिंग। और यहाँ पर ये जो एग है बस ये ऑलमोस्ट होने वाला है, ठीक है, इसको फिर हम और फ्लिप करके स्पेगेटी नूडल्स का शेप दे देंगे। सही है, अमेजिंग। अच्छा जी, अच्छा अब हम जल्दी से सैलेड को करते हैं, उसके बाद फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। और आप लोगों के लिए हमारे पास बहुत फन फन क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा आज मज़ा आने वाला है शो में। इंटरनेशनल चेफ्स डे पे हम अपने शेफ्स को करेंगे परेशान। अच्छा, तो आज जो सवाल करेंगे, आज अभी जो है हम सालसा रेडी कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट्स ही लगेंगे। हमने टोमेटो चॉप ले लिए थे, हमने जो है गार्लिक चॉप ले लिया, हर चीज़ जो है इसमें फाइन चॉप डालेंगे तो अच्छी रहेगी। ग्रीन चिली। अच्छा सोबिया, अगर ये विस्क आप मुझे दे दें, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि वहाँ पे ना आपको जो आप करिए वो सबको दिखाई दे। श्योर श्योर, यस प्लीज कंटिन्यू। अनियन ले लिया हमने फाइन चॉप, ठीक है, कोरिएंडर लीव, ठीक है, लेमन जूस हमने जो है लेमन जूस 1 टेबलस्पून जितना डालना है, सही। इसके बाद बेसिक इसमें जो है हम सॉल्ट डालेंगे एंड ब्लैक पेपर, ठीक, पिंच, ज़्यादा नहीं, सिंपल स्वीट क्विक, बस इसको जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। सुबह जब हमें ब्रेक पे जाना होगा, मैं चाहूँगी कि अगर हम इसको काटना पहले से ही दिखा दें, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप इसको काटेंगे कैसे। ठीक है, मैं आपको काटना भी दिखा देती हूँ। इस ऑयल की बॉटल को भी मैं साइड पर कर देती हूँ ताकि हम देखें कि नूडल्स कैसे बन गए ये वाले। ऑलराइट, अब ये नूडल्स की होने वाली है कटिंग। जी बिल्कुल, कटिंग बोर्ड ले लेते हैं। सही, थोड़ा सा यूजुअली हम ठंडा होने का वेट करें, बट सिंस यू आर शेफ्स ऑफ कोर्स आप जो है वो, या गर्म कोई करना है जरूरी है गर्म, वैसे तो इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे करके, ठीक है, फिर करते हैं, बट अभी जो है टाइम का भी थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको ये सोबिया कर रही है रोल एंड देन वो इसको नूडल्स की शेप दे रही है, जस्ट लाइक दिस, इजी ब्रीजी सिंपल। और इन एग नूडल्स के साथ सोबिया करेंगी सर्व इस सैलेड को। बेसिकली 2 डिफरेंट किस्म की रेसिपीज हैं, इंग्रेडिएंट्स मोर और लेस, द बेस इज द सेम। ऑलराइट, एंड बासित आप, अच्छा अभी सर्विंग हो रही है यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पे रख के सर्व कर सकते हैं ताकि हम दिखाते भी। ये देखें, ये जो है नूडल का शेप आना शुरू हो गया, इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर करेंगे थोड़ा चिल्ड हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा प्रॉपरली आपका होगा, ज़बरदस्त, समथिंग अमेजिंग। यहाँ पे बासित का प्लेटर भी बन रहा है, लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर हम डालेंगे अपने नूडल्स। आहा, सोबिया के प्लेटर में एग नूडल्स, वहाँ पे नीचे हमने इसके जो है सैलेड लीव्स डाल दिया था। आप रॉकेट लीव्स डाल लें या स्पिनच को ब्लांच करके डाल लें फॉर अ प्रॉपर मील। इसके ऊपर आ जाएगा आपका सालसा। मेरा तो दिल चाह रहा है ये मैं दोनों प्लेटर जो है ना वो घर ले जाऊँ और ऐसे इंप्रेस करूँ जैसे मैंने बनाया। इट्स लाइक सो इनोवेटिव, सो ब्यूटीफुल, और इसीलिए हम शेफ डे मनाते हैं, बिकॉज इनोवेशन इज़ व्हाट वी ऑलवेज टॉक अबाउट। कि हर घर में ऑमलेट बनता है बट ऐसे आई डोंट नो किसके यहाँ बनता है, और उस तरह विद नूडल्स आई डोंट नो किस ना। गार्निश के लिए जो है आप रेडिश यूज़ कर लें, ठीक है, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटिफुल। थोड़ा सा जो है मैंने स्वीट एंड टच देने के लिए ऑयस्टर सॉस ले लिया था, तो थोड़ा सा जो है हम ऊपर से इसको ड्रिजल करेंगे।
और लुक भी बड़ा प्यारा आएगा उसका, कंट्रास्ट भी मजे का आएगा. ओके, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच शेफ्स. यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप इसको ज़रा खूबसूरत देखें तो सही. हो गई शेफ? जी जी रेडी. मैं चाहती हूँ कि ज़रा इस पर जूम किया जाए एंड फिर सोबिया की डिश पे जूम किया जाए कि ये इट इज़ सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल. सोबिया अगर आपकी भी डिश हो गई तो मैं चाहूँगी कि हम साइड पर रख दें ताकि इसको देखते देखते हम ब्रेक पर जाएँ और जब हम वापस आएंगे तो हम हमारे शेफ्स के साथ करने वाले हैं बहुत सारी फन एक्टिविटी. ब्यूटिफुल एग नूडल, ऑमलेट नूडल्स, एग नूडल ऑमलेट नूडल्स एंड रेड वेलवेट चीज़ ऑमलेट. ऑल राइट, ये तैयार है जनाब.